हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम 14A के बाकी क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज, ये देखो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है एंड वी आर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दीज रेक्टेंगल्स। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था रेक्टेंगल का? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने। तो लेट्स सी हियर, इसके भी दो पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 11, ब्रेथ इज 7। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ को प्लस करना है। तो लेंथ कितनी है? 11, ब्रेथ है 7। 11 प्लस 7 किया कितना आ गया? 18। 18 को बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 36 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है बेटे, ऐसे इसी का एक और पार्ट। लेंथ इज गिवन टू बी 10, ब्रेथ इज गिवन टू बी 9। पेरीमीटर निकालना है 2 × एल प्लस बी। 2 × एल कितनी है? 10 यहाँ पे, बी कितनी है? 9 है। तो एल प्लस बी कितनी बन गई? 19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 38 मीटर एंड दिस इज आंसर। नाउ थर्ड वन मोर क्वेश्चन, वो भी सिंपल है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर, ट्रायंगल है तो उसकी तीन तीन साइड्स दे रखी होंगी। ये देखो 1 2 3 1 2 3 3 3 साइड्स आर गिवन। तो उसका फॉर्मूला लगाना है हमने सम ऑफ ऑल साइड्स, और ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। सिंपल है, तीनों को प्लस करना है, सम मीन्स प्लस होता है। तो मैंने इसका एक ही पार्ट लिया है, बी पार्ट। ये 11 12 एंड 13 मीटर उसकी साइड है और पेरीमीटर निकालना है सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स मीन्स वी आर टू प्लस ऑल साइड्स, मीन्स 36 मीटर आ गया। ठीक है बेटा, होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे आगे बच्चे आपके स्टेटमेंट सम्स, स्टेटमेंट सम्स बहुत ध्यान से सुनने हैं। और एक चीज याद रखो, जब भी हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो हमने दो एरियाज को डिवाइड करना है। और जब भी हमने कॉस्ट निकालनी है तो हमने कॉस्ट के साथ आंसर को मल्टीप्लाई करना है। ये दो चीजें डिफरेंट है, याद रखो। ये देखो, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग निकालनी है तो वी आर टू मल्टीप्लाई द एरिया बाय द कॉस्ट, कॉस्ट गिवन होगी आपको। नंबर ऑफ ब्रिक्स और टाइल्स निकालना है तो वी हैव टू डिवाइड द एरियाज। दो चीजें ये ध्यान में रखनी है आपने, बाकी क्वेश्चन के सेंस के साथ आपको जरूर समझ में आएगा। लेट्स सी, व्हाट विल बी द लेबर चार्ज, लेबर चार्ज मीन्स लेबर के कॉस्ट कितनी होगी फॉर टाइलिंग अ हॉल 22 मीटर लॉन्ग एंड 17 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर स्क्वायर मीटर। ये जो है उसकी कॉस्ट दे रखी है, रेट दे रखा है, और ये सारे की हमने कॉस्ट निकालनी है। ये एक स्क्वायर मीटर की दी हुई है। अब देखो टाइलिंग है, टाइल्स कहाँ पे लगेंगी ये आपका ब्रेन बताएगा। क्या टाइल्स पेरीमीटर में लगेंगी या एरिया में लगेंगी? ऑब्वियसली रूम के अंदर लगेंगी, जहाँ पे हम बैठते हैं। तो मतलब हमने एरिया निकालना है, मींस ये लेंथ और ब्रेथ पे एरिया का फॉर्मूला लगेगा पहले, क्योंकि टाइलिंग करनी है, टाइलिंग जो है वो एरिया पे होती है। तो ये लंबी वाली लेंथ है, छोटी वाली ब्रेथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया निकल आएगा। ठीक है जी, जो आंसर आएगा सेकंड स्टेप में, मैंने बोला है अगर कॉस्ट निकालनी है तो जो भी रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम सेकंड स्टेप में 8 के साथ, रुपीज 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन, लेट्स सी हियर। तो देखो पहले तो इसका बताना है क्लू कि फॉर टाइलिंग वी हैव टू फाइंड एरिया। टाइल्स अगर नंबर ऑफ, मतलब टाइलिंग पैटर्न करना है, टाइल्स लगानी है, तो वो एरिया पे लगेंगी, मतलब हमें एरिया चाहिए, एरिया की कॉस्ट चाहिए। तो लेंथ ऑफ हॉल इज गिवन, ब्रेथ ऑफ हॉल इज गिवन। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, अच्छे से उसको लर्न कर लो। तो ये मैंने रफ में मल्टीप्लाई करके बता दिया आपको, 374 मीटर स्क्वायर, जो एरियाज होते हैं स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर में निकलते हैं, तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा इसका। अब ये स्टेप वन हुआ, उसका एरिया आया हमारे पास। निकालना क्या है हमने? लेबर चार्जेस। एक स्क्वायर मीटर के लेबर चार्जेस, मतलब कॉस्ट दी हुई है रुपीज 8। तो हमने कितने स्क्वायर मीटर कवर करना है? 374, मतलब हमने 374 स्क्वायर मीटर के चार्जेस निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको रेट के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने इधर शो किया भी हुआ है,
मल्टीप्लाई करके 2992 आ गया। अदरवाइज भी अगर आप अपना ब्रेन यूज़ करो तो 1 square meter की कॉस्ट दी हुई है, 374 square meter, मतलब ज़्यादा की कॉस्ट निकालनी है, जब मोर की वैल्यू निकालनी होती है तो वी नॉर्मली मल्टीप्लाई, इस वजह से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए। ठीक है जी, होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं, बेटा लंबी हो रही है वीडियो। टेक केयर।